कुछ हमने अंदर रख दिए, सफाई कर रहे हैं इनकी, इनमें बहुत धूल आ रहे हैं ना। जा रहे हैं हम कैंटीन में, मौसा जी की केदारनाथ की तैयारी हो रही है। ड्रिंक किया, हेलो भेजा आज तो। वाह, क्रॉस करने वाले अपनी सारी बाइक है, फूल तो हमारे बहुत सुंदर खिलते हैं। देखो चाटा जा रहे हैं अपना अपना। Hey guys, welcome back to day 5 of one week daily vlog challenge। तो गाइस आज का मौसम भी कल ही जैसा और का है, तो अभी मैंने यहाँ पे पूरी सफाई कर दी है। आजकल इतना धूल हो रखा है ना, आजकल गेहूँ कट रहे हैं तो उसका धूल आ रहा है पूरा, बहुत ज़्यादा धूल हुआ था, अभी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। मैं जा रहा हूँ जुबली तिवारी को घुमाने, और अभी गाड़ियाँ भी धूल धूल से काफ़ी गंदी हो रखी है, अभी आके इनको भी धोते हैं। गाइस अभी जा रहे हैं हम कैंटीन में नंबर लगाने, और अभी मौसा जी के साथ पहले दूध लेने जाएंगे, उसके बाद वहीं से कैंटीन जाएंगे। मौसा जी की केदारनाथ की तैयारी हो रही है, घर में सारा सामान रख रहे हैं। देखो गाइस अभी यहाँ ताऊ से मांग रहे हैं कैंटीन कार्ड। ड्रिंक किया, वाह कल गाड़ी चमका दी, तो टायर भी चमक रहे हैं अंदर, लोग भेजा आज तो। यहाँ से ले लिया है कार्ड, और अभी जा रहे हैं पहले टोकन लेने, वहाँ नंबर लगाना पड़ता है सुबह जल्दी। आ चुके हैं कैंटीन में, और यहाँ पे देखो ग्राउंड में मैच भी हो रहे हैं। वाह, छक्का मार दिया ऐसे, अभी तो कैंटीन खुली ही नहीं, बंद है, और यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लग रही है। ये देखिएगा इसने नंबर लगा रखे हैं। सॉरी सही, मैं जा रहा हूँ दूध लेने, मौसा जी वहाँ पे नंबर पे लग चुके हैं, तब तक मौसा जी ने बोला तू दूध लेने चल जा, मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ। अभी जा रहे हैं घर, और मैं जा कुछ से घर पे। गाइस अभी मैं आ चुका था घर, और अभी मैं वॉश करने वाला हूँ अपनी सारी बाइकें। तो अभी बाहर पे सारी गाड़ियां बाइकें धो दी मैंने, और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। अभी मैंने अपनी सारी बाइक्स वॉश कर दी थी, जैसे कि आपने सिनेमैटिक चेक कर लिए होंगे, और अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, और मैं अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद हम जाने वाले हैं कैंटीन, वहाँ से लेंगे सामान। अभी बिचनी मौसी की कॉल आई कि मैं अभी आऊँगी, तो अभी खाना खा लिया और अभी जा रहे हैं, और बिचनी मौसी भी आ चुके हैं। क्या सामान लाओगे आज? जो मिलेगा आज, देखो तुम्हारे फूल कितने सुंदर खिले, फूल तुम्हारे बहुत सुंदर खिलते हैं, देखो बहुत ही सुंदर है, इतना प्यारा। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ। हाँ भी चल, हाँ से नहीं है नंबर, कौन सा नंबर है? इसके बाद है, इसके बाद है। तो फाइनली गाइस आ चुका है सामान, इंजीनियर का सूटकेस बैंगलोर जाने के लिए, चल स्कूटर में गाड़ी में जाना। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर पे, और अभी यहाँ पे सामान छाटा जा रहे हैं अपना अपना। वाह, हमारे बिल मैनेजर बताओ तो क्या चाहिए, पर 6,263 बिल है। तो अभी यहाँ पे एक बिल तो बन चुका है, अब यहाँ पे बन रहा है मौसा जी का बिल, मिलते हैं शाम को। तो गाइस आजकल है गेहूं का सीजन, और अभी हमारे बाहर पे ही एक गेहूं का ट्रैक्टर आया था बेचने वाले, और हमने भी रखा, हर बार रखते हैं, मतलब एक साल में एक बार रख देते हैं 450-500 किलो। इस बार हमने 450 किलो गेहूं रखे, और अभी उनकी सफाई करने वाले हैं बाहर पे। तो गेहूं डायरेक्ट खेत से आ रखे तो उनमें काफ़ी धूल है, तो अभी उनकी सफाई करने वाले हैं हम। कुछ हमने अंदर रख दिए हैं, और अभी हम इसे सफाई कर रहे हैं इनकी, इनमें बहुत धूल आ रहा है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट खेत से निकाले हुए गेहूँ हैं, अभी इनकी सफाई कर रहे हैं। देखो इतना कबाड़ आ रही है, वो आज ये काम चल रहा है, इनको ऐसे इनकी सफाई करेंगे, फराटा लगा रखा है। तो गाइस अभी मैंने ब्लॉक पे कब्जा कर लिया, और देखिए यहाँ पे गेहूं की आज सफाई हो रही है। सफाई बोले तो इसमें जो भी गंदगी रहती है ना, जो फ्रेश गेहूँ रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत गंदगी रहती है, तो उसकी धूल मिट्टी अभी साफ़ कर रही है। ये देखिए इतना कबाड़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सब गेहूँ से निकला है, और ये देखिए यहाँ पर साफ़ कर दिया है, और अभी कट्टे भी भर रहे हैं वो देखिए। मैंने ब्लॉग इस वजह से पकड़ा, वो लौटना थोड़ा शर्मा रहा है, पता नहीं क्यों मैंने ब्लॉगिंग अभी छोड़ रखी है, करूँगा मैं बाद में कभी अपना स्टार्ट भी। तो चलिए अभी जिसका जिसका ब्लॉग चैनल है उसी को दिखाते हैं, अभी ये है वो। तो अभी हम भर रहे हैं गाइस गेहूं, ये सफाई किए हुए गेहूं, देखो
एकदम क्लीन कर दी। खा के दिखा दो, एक दो, एक दो खा के दिखा दो। ना खाली एक टब भर चुका है, इसे भरेंगे हम टंकी में। उठाओ उसको पहले। कितने किलो का है? 25 किलो का हो कम से कम। 20 हो गए तो गाइस को चक्कर भी आते, बेहोश पड़ जाता है। कहीं बेहोश ना पड़ जाए, ये इसके पीछे पीछे जा रहे हैं हम। भरोसा नहीं, बेहोश ही पड़ता है ना आजकल। घर में हमें पानी नहीं पिया था, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। आज ही पिया तूने पानी? आज भी पी लिया, कब तक दबा के पिएगा? ऐसा लग रहा है अभी आने वाला है तेरे को चक्कर, ये भारी कट्टा पकड़ के। तो अभी उसने कर दिया है टैंकी को फुल। ये कितने भर गए? थोड़ा ही रह गए, तो लगभग फुल हो गया। ये देखिए इतना बड़ा है, हाँ तो कट्टा और लगेगा इसका कहना है। तो दोस्तों अभी उसमें जगह नहीं होगी, उसमें शायद 15 किलो की जगह होगी। इसको पकड़ पहले, देखते हैं कितना आता है उसमें। इतने आ जाएगी उसमें? नहीं आएंगे तो दूसरे का टेम भरना पड़ेगा उसको। देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते। मुश्किल ही है, इतनी जगह का जगह देख लो पहले। आ जाएंगे। और ये है कम से कम 15 किलो गेहूँ, इतनी जगह में क्या 15 किलो गेहूँ आ पाएंगे? क्या लगता है आपको? अबे चल, नहीं आएंगे, गिर जाएंगे वो। मुझे लग रहा गिर जाएंगे। फैला उसको, हाथ से फैला पहले। और फैला, और फैला, और फैला। अभी इतने गेहूं साल भर चलेंगे। आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, डाल तो सही उसको। यो गाइस आ गए। तो अभी ये तो फुल हो चुका है। कितने किलो जी? कितने किलो की है? 350। 350 की, 350 किलो गेहूँ आ चुके हैं उसमें। बाकी गेहूँ रखी 400 किलो। अब 100 किलो है। 100 नहीं है, ज़्यादा है वो, 150। तो गाइस अभी वहाँ पे धूप हो रही थी, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी यहीं पे रहेंगे छाव में, थोड़े ही रह गया। अब 450 में से अब बस 80-90 किलो रह गए। कुछ गेहूँ हमें कट्टे पे रखने के पड़ेंगे। चुका है लगभग 3। तो गाइस अभी खाते हैं खाना और अभी काफ़ी थक चुके हैं। आज के ब्लॉग को करते हैं पे एंड। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइस अच्छा लगा होगा लाइक और एक कमेंट कर देना। गाइस मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।